can you hit it now? So ladies and gentlemen, countdown करेंगे. 10, 9, 8, आप लोग मेरे साथ countdown करेंगे. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. फोन निकालिए, स्कैन करिए QR कोड ताकि वो आपके फोन पर भी आ जाए. जय भीम एवरीबॉडी. दिग्गजो सर, QR कोड स्कैन करिए मनोज भाई. हियर गोस. यस लेडीज एंड जेंटलमैन, स्कैन कर रहे मनोज बाजपाई, क्योंकि आप ये आने वाला है उनके फोन पर, इंडिया के फोन पर, वर्ल्ड के फोन पर. आई सिद्धार्थ कनन, आई एम सो प्राउड ऑफ दिस मोमेंट टू द एंटायर टीम ऑफ जय भीम. सब लोग बोलो अंगार. क्या बात है, ऐप भी आ गया है. तो मनोज भाई, मैं अभी बुलाना चाहूंगा केतकी और संदीप सुपारकर जी को भी. आइए आइए, आप एक सेल्फी वीडियो बनाइए ऑडियंस के साथ, या मैं बनाऊं. अच्छा, तो बाद में आप अपलोड करेंगे. ठीक, आ जाइए. केतकी जी कहाँ है वो? केतकी जी मनोज सर, बहुत ही कम जगह पे देखते हैं हम, ऐसे इवेंट में भी कम देखते हैं. क्या रीजन था जय भीम को प्रमोट करने का, और क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले गिरीश मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, और दोस्तों के लिए मैं हमेशा से जो है उनके साथ खड़ा रहा हूँ. और गिरीश ने जब बुलाया और जब बताया कि ये ऐप शुरू कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि गिरीश हमारे दोस्त, पुराने दोस्त, अगर ऐसी पहल कर रहे हैं तो मैं, मुझे उनके साथ भी आ जाना चाहिए. गिरीश ने बुलाया, हम आ गए. दूसरी बात ये कि जो ऐप है वो यंगस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, अपने आप को एक्सप्रेस करना, कुछ क्रिएट करना, कुछ कहानी बनाना, कुछ नई नई चीज़ें लोगों के सामने लेकर के आना. अब अपने आप को एक्सप्लोर करने का एक बहुत बढ़िया एक साधन है, और जो ये लोग शुरू कर रहे हैं, और मैं आशा करता हूँ कि जो जितने भी यंगस्टर्स हैं वो इसका बहुत सारा अच्छा लाभ उठाएंगे, और बहुत ही पॉजिटिव लाभ उठाएंगे इसका. मैं चाहूँगा कि वो लोग जितना ज़्यादा हो सके अपनी प्रतिभा को एक्सप्लोर करें और कुछ कमाल का क्रिएट करें. मेरी शुभकामनाएं हों. गिरीश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मनोज जी यहाँ पर है और उनका नाम बहुत ही बड़ा है, कितनी बड़ी बात है कि बहुत बड़ी बात है हमारे लिए मनोज जी आ गए इस ऐप की शुरू लॉन्च के लिए. ये बहुत बड़ी बात है. हम चाहते थे कि कोई ऐसा आर्टिस्ट आकर इसे लॉन्च करे जिसके सारे फैंस, जिनके, जिनको नए क्रिएटर्स आदर्श मानते हैं. तो मैंने बहुत सारे क्रिएटर्स से जाना, पूछा, नाम भी हमने उन्हीं से पूछ कर लिया, और उनका भी ये कहना था कि मनोज बाजपेयी सर अगर आते हैं तो उस लॉन्च में सभी को खुशी होगी. तो ये खास सभी का रिएक्शन था, और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मनोज जी इस ऐप की लॉन्च के लिए. सर, राउर बिहार में कहा यूपी में बहुत हल्का मचेले बा, ओकरा बारे में का कहो? हम का कहें, जेकरा जेकरा अपन करता वो कुछ ना कुछ बनावत रहता, अपन डरत रहता. हमार जे 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 लोग बम्बई में काबा से काफ़ी प्रभावित भइल, ओकरा पर नया नया तरीका से ओकरा के गावा था, सबको सब कोई के हमार शुभेच्छा शुभकामना. और 26 जनवरी पे क्या कहेंगे? यूथ
हम देखते हैं कि रील्स पे हम देखते हैं यूथ बहुत सारे ऐसे हैं किस तरह से जय भी मैं कुछ मैं देखिए यूथ आजकल हमें टिप्स दे रहा है और मैं तो आजकल के जो यंगस्टर्स हैं उनके साथ मैं कंपटीशन नहीं करता हूं, मैं उनसे सीख रहा हूं कैसे अपने आप को नए रंग में डाला जाए, कैसे उनके साथ कदम से कदम मिलाया जाए, क्योंकि वो लगातार बदल रहे हैं अपने आप को, लगातार इस तरह के ऐप जो हैं उनको मौका दे रहे हैं। हमारे लिए बड़ी मुश्किल थी जब हम शुरुआत कर रहे थे तो हमारे पास में ऐसी कुछ चीज़ नहीं थी ना हम सोच सकते थे, लेकिन आज ज़माना बिल्कुल तेज़ी से बदल रहा है और बहुत कुछ बदल चुका है और आगे आने वाले समय में अब ये डिजिटल जो पूरा का पूरा डिजिटल वर्ल्ड है ये आपको पता नहीं किस किस जगह लेके जाने वाला है, हम उस बारे में अभी सोच भी नहीं सकते हैं। और जहाँ तक हम आए हैं वो ही अपने आप में बहुत ही अद्भुत है, काफ़ी चमत्कार है एक तरीके से। यंगस्टर्स को सिर्फ इतना कहूँगा जो भी कीजिए हमेशा ये सोच के कीजिए कि एक जिम्मेदारी है आपके ऊपर में और उसका गलत इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड का सबसे कमाल ये रहा है कि इसने लोगों को मौके दिए हैं, तो इसके साथ में एक नेगेटिव चीज़ ये भी हुई है कि इसका गलत इस्तेमाल भी मिसयूज़ भी काफ़ी होता है, क्योंकि इतना बड़ा यंत्र आपके हाथ में आता है और आपको लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, तो कुछ भी कीजिए लेकिन बड़ा कुछ कीजिए, गलत मत कीजिए। 26 जनवरी पे इसके लॉन्च को लेकर आप कैसे देख रहे हैं? 26 जनवरी एक अच्छा मौका होता है, स्वाधीनता जी गणतंत्र दिवस है और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था उसको हम सेलिब्रेट करते हैं और अपने आप को याद दिलाते हैं कि हम इस गणतंत्र के नागरिक हैं और हम इस संविधान की रक्षा के लिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम संविधान को समझें, अपने अधिकारों को समझें और उसकी रक्षा के लिए, गणतंत्र की रक्षा के लिए अपने जी जान लगा दें। ऐसे समय पे जय भीम का ऐप का चुनाव, इससे बढ़िया क्या अवसर हो सकता है। मनोज जी, डिजिटल स्पेस को कितना एंजॉय कर रहे हैं, फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला आपको, क्या कहना चाहेंगे, कितना एंजॉय कर पा रहे हैं आप? देखिए मेरे लिए, मैं आपको ईमानदारी से कहूँ, मेरे लिए अभिनय ही मेरा यंत्र तंत्र षड्यंत्र सब कुछ है, तो आप मुझे मौका देंगे यहाँ पे अभिनय करने का और कुछ भी नहीं रहेगा जीवन में, तो फिर यहाँ भी शुरू हो जाऊँगा, क्योंकि अभिनय करना हमारा पैशन है, जुनून है और अब इससे रोजी रोटी भी आती है, तो हम वो कैमरे के सामने हो लोगों या फिर कैमरा नहीं हो तब शॉर्ट फिल्म मैंने 4 किए हुए हैं, सबसे पहले शुरुआत मैंने की थी, फिर OTT जब आया तो OTT के बनते मतलब OTT अपने मुकाम पर पहुंचता तभी फैमिली मैन किया था। और सबसे अच्छी बात है कि OTT आपको 200 कंट्रीज और उससे भी ज़्यादा कंट्रीज में एक साथ हमारे काम को लेके जाता है, ये शायद संभव किसी और माध्यम में नहीं हो। अगली नेशनल अवार्ड के लिए कौन सी फिल्म की तैयारी कर रहे हैं सर आप? लगातार आपने 3 अवार्ड्स ले लिए ऑलरेडी। ये मैं आपको सच में बताऊं, मैंने बहुत साल पहले नेशनल अवार्ड के लिए आशा करनी छोड़ दी थी, अब जो भोसले के लिए आया वो अपने आप में जो है मेरे लिए चमत्कार था। मैंने सोचा था हंसल मेहता इन सब लोगों ने और अपूर्वा असरानी और पूरी टीम और सारे लोग जो प्रशंसक थे वो सोचते थे कि मुझे अलीगढ़ के लिए तो मिलेगा ही मिलेगा, नहीं मिला। तो इससे अच्छा है कि आशा मत कीजिए, काम करते जाइए, वही कर रहा हूँ मैं। तो आने वाले दिनों में कौन से आपके प्रोजेक्ट्स हैं जो हम देख सकते हैं? अभी तीन काम मैंने ख़त्म किए हैं, एक राम रेड्डी की फिल्म है जिन्होंने तिथि बनाई थी, एक कनु बहल है जिन्होंने तितली बनाई थी और अभिषेक चौबे के साथ में, अब बस आप छोड़ेंगी तो मैं जाऊँगा उसको भी कंप्लीट कर दूँगा। प्लीज़ जाइए।